हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल हैप्पी गार्डनिंग के अंदर। फ्रेंड्स, हम कई तरीके की ऑर्गेनिक मैन्योर यूज़ करते हैं, जैसे लीफ मैन्योर यूज़ करते हैं हम, वर्मी कंपोस्ट यूज़ करते हैं, और इसके अलावा बनाना पील है, ऑनियन पील है, बहुत तरीके की जो है नेचुरल कंपोस्ट हम यूज़ करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिखाऊंगा मस्टर्ड केक मैन्योर कैसे बनाना है। बेसिकली ये एक लिक्विड फॉर्म में बनेगा, आप इसको चाहे तो पाउडर फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको लिक्विड फॉर्म में बनानी सिखाऊंगा, और लिक्विड फॉर्म में आप बनाकर उसको बेसिकली जैसे सीजनल वेजिटेबल्स होती हैं और कुछ फ्लावर्स हैं उनको दे सकते हैं, और बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलते हैं। जैसे कि अब आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, वाइट बैंगन लगे हुए मेरे पॉट्स के अंदर, इनको मैंने सेम लिक्विड मैन्योर यूज़ किया था, और उसे देखिए बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं और बम्पर फसल आई है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे पास अप्रोक्सीमेट आधा किलो या 500 ग्राम सरसों की खली है मस्टर्ड केक, और ये मैं लोकल ऑयल मिल से लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्रेश है ये, और इसको मैं यूज़ करूँगा। फ्रेंड्स, आप भी अपने वहाँ से लोकल मिल ऑयल मिल से, जहाँ पर तेल वगैरह निकलता है सरसों का, मस्टर्ड ऑयल निकलता है, वहाँ से ये ले सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर लोकल ऑयल मिल आपके आसपास अवेलेबल नहीं है तो आप ट्राई कर सकते हैं जो जानवरों के लिए फीड रखते हैं, जैसे गाय और भैंसों की फीड की शॉप्स होती हैं, तो उनके पास ये मस्टर्ड केक मिलने के बहुत चांसेस हैं, तो आप वहाँ से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरे पास ये 15 लीटर की बकेट है, और इसके अंदर मैंने अप्रोक्सीमेट 10 लीटर जो है पानी रखा हुआ है, और इस पानी के अंदर मैं ये जो मस्टर्ड केक है आधा किलो, ये सारा का सारा मैं इसमें डिप कर दूँगा। फ्रेंड्स, ये आधा किलो मस्टर्ड केक मैंने इसके अंदर डाल दिया है। अब क्या करना है, इसको अप्रोक्सीमेट 4 से 5 या 6 दिन तक अप्रोक्सीमेट इसको इसी के अंदर हम घुलने देंगे, और ये गल जाएगा, और इसका जो लिक्विड है वो फिर हमने आगे यूज़ करना है, उसका मैं प्रोसेस आपको बाद में बताता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए अप्रोक्सीमेट 6 दिन के बाद मस्टर्ड केक का जो लिक्विड मैन्योर है वो तैयार हो गया है, और अब इसको हम यूज़ कर सकते हैं प्लांट्स के अंदर। तो मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। फ्रेंड्स, ये अप्रोक्सीमेट आधा लीटर का मग है मेरे पास, इसमें 2 मग जो हैं मैं लूँगा इस लिक्विड मैन्योर के। ये यानी अप्रोक्सीमेट 1 लीटर जो है मैंने इस बकेट, बड़ी बकेट के अंदर ले लिया है इस मैन्योर का। फ्रेंड्स, एक लीटर जो लिक्विड मैन्योर मैंने लिया है उसके अंदर अप्रोक्सीमेट 5 लीटर जो है टैप वाटर मिला दिया है, यानी 10 मग्स हैं जो ये वाले टैप वाटर के मैंने डाल दिया है, उसको पतला कर लिया है। अब इसको यूज़ करने से पहले क्या करना है, जो भी पौधे में आपने डालना है उसकी पहले अच्छे से गुड़ाई कर दीजिए। अब मेरे पास जैसे बैंगन के, ब्रिंजल के पौधे हैं, उनकी मैंने गुड़ाई कर दी है, आइए आपको दिखाता हूँ। ये मेरे ब्रिंजल के पौधे हैं, अब इनकी गुड़ाई कर चुका हूँ मैं। अब इनके अंदर क्या करना है, पर गमला 1 मग जो है ये लिक्विड मैन्योर का आपने डालना है। फ्रेंड्स, सारे गमलों में मैं एक एक मग जो है पानी का इसका लिक्विड मैन्योर का डाल दूँगा। फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ चिली प्लांट्स भी हैं, ये बर्ड आई चिली है, और ये मेरे पास है घोस्ट पेपर या भूत जुलोकिया, इनको भी सेम 1:5 का लिक्विड बनाकर 1 लीटर लिक्विड 5 लीटर पानी में डालकर आप इनको एक एक मग ये दे सकते हैं। इसके बाद जो ग्रोथ होएगी और जो पैदावार होएगी वो प्रोग्रेस में आपको आगे दिखाता हूँ। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे चिल्ली के प्लांट्स हैं, सुबह के टाइम में आज मैंने इनकी गुड़ाई लगाई थी और जो सॉइल को लूज़ करके एज इट इज़ छोड़ दिया था। अब मैंने जो मस्टर्ड केक से लिक्विड मैन्योर बनाया है उसको 5 लीटर पानी के अंदर 1 लीटर मस्टर्ड केक का जो लिक्विड है वो डाल के इनको समझो 500 ml यानी एक एक मग जो है इनको सारी मिर्ची के प्लांट्स को दूंगा। फ्रेंड्स, सिर्फ 1 मग आपने देना है, जो पतला किया हुआ है मैंने, सारे प्लांट्स को आप एक एक मग देंगे। फ्रेंड्स, मस्टर्ड केक जो है मैन्योर होता है लिक्विड बनाकर, उसका मैंने प्रोसीजर मैंने आपको समझा चुका हूँ, वो मैंने यूज़ किया था इन चिलीज के ऊपर। देखिए साइज़ भी काफ़ी बड़ा है, और बिल्कुल प्लांट्स भी जो हैं बिल्कुल ब्लैक हैं, काफ़ी हेल्दी प्लांट्स हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी इसी प्रोसीजर से मस्टर्ड केक मैन्योर डालकर ढेरों चिलीज एक प्लांट से ले सकते हैं।
फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे चिली प्लांट चिलीज से भर गया है काफ़ी सारी, तो मैं यहाँ से इनमें से हार्वेस्ट कर चुका हूँ। और कुछ जो मैंने छोड़ दी थी, अब ये देखिए वो पकनी शुरू हो गई हैं, एकदम लाल हो गई हैं। अब इनको नेक्स्ट ईयर के लिए मैं प्रिजर्व कर सकता हूँ सीड्स बनाने के लिए, या इनका कुछ भी अचार चटनी वगैरह आप कुछ भी बना सकते हो। ये देखिए कितनी ढेरों ढेर चिलीज आई हैं, और पॉट है सिर्फ 12 इंचेस का। फ्रेंड्स, ये देखिए मस्टर्ड केक मैन्योर जो लिक्विड फॉर्म में हमने डाला था प्लांट्स में, उसकी बदौलत कितनी बम्पर क्रॉप हुई है मेरी मिर्ची की। काफ़ी सारी तो मैं हार्वेस्ट भी कर चुका हूँ ग्रीन ही, जो बच गई थी वो देखिए रेड हो गई हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये बाकी के गमले भी हैं, सब में देखिए बहुत ही बम्पर क्रॉप हुई है। तो फ्रेंड, आप इस तरीके से मैन्योर ये वाला लिक्विड फॉर्म में यूज़ करके मस्टर्ड केक मैन्योर प्लांट्स से बम्पर क्रॉप ले सकते हैं। देखिए प्लांट्स भी काफ़ी हेल्दी हैं और क्रॉप भी जो है काफ़ी बम्पर आई है इस बार। फ्रेंड्स, ये देखिए मेरे ब्रिंजल वाइट एग प्लांट के जो पौधे हैं उन पे बैंगन लगे हैं, और ये सारी मेहरबानी आप कह सकते हैं मस्टर्ड केक मैन्योर के बदौलत है, जो काफ़ी जल्दी फ्लावरिंग भी शुरू हो गई थी। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया बैंगन भी लगे हैं इसमें, और ये जल्दी हार्वेस्ट के लिए तैयार हैं। एक दो दिन के अंदर मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगा। ये देखिए फ्रेंड्स, बाकी के जो गमले हैं प्लांट्स हैं इनमें भी फसल शुरू हो चुकी है। ये देखिए सारे के सारे जो मेरे गमले हैं ये फ्लावरिंग और बैंगनों से भर गए हैं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा मेरे इस वीडियो से कि कैसे मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप लिक्विड मैन्योर बनाना मस्टर्ड केक से सिखाया, और उसको कैसे यूज़ करना है और उससे कैसे बम्पर फसल लेनी है, ये सब आपने इस वीडियो में मेरे सिखाया। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको हमेशा अपडेट्स मिलती रहें।